14,000 यानी कि 30,000 में Mavic Pro 2 Zoom यहाँ पे 30,000 में मिल रहा है, बताओ। Alright guys, Abhijit here and welcome back to my YouTube channel Mumbai Musafir। और आज है 15 तारीख and I was staying at the Bodega Hostel और यहाँ से मैंने फिलहाल चेकआउट कर लिया है। आप सोच रहे होंगे दो दिन से कहाँ था, तो सॉन्ग्रांग फेस्टिवल के कारण मैं DSLR नहीं निकाल पाया था, बिकॉज DSLR निकालना बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि कहीं से भी पानी की बौछार आके आपकी DSLR को ख़राब कर सकती है। मुझे DSLR भिगाना नहीं था। एंड कल हम गए थे नाना प्लाजा, यहाँ पे कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी मिल गए थे तो साथ में गए। रात को काफ़ी थके हुए थे, वापस आके सो गए। एंड आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ बैंकॉक में फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आज शाम को मैं जाने वाला हूँ फुकेट। 7 बजे की बस है और कल दोपहर में 12 बजे तक पहुँचा देती है। हालांकि वैसे तो 12-13 घंटे लगते हैं, बट ये बस रुक रुक के जाती है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट एनीवेज वहाँ पहुँच के फिर और आगे 2 दिन का प्लान है, और वहाँ से फिर पीपी एंड देन वापस बैंकॉक आने का प्लान है। सो गाइस, आज है सॉन्ग्रांग, मेन सॉन्ग्रांग न्यू ईयर, 15th of April, और हमने ले लिया है ग्रैब टैक्सी। यहाँ से MBK सेंटर जा रहे हैं और ग्रैब टैक्सी इसलिए लिया है क्योंकि बाहर सब लोग पानी से पिचकारी मार रहे हैं एंड हमारे पास कैमरा इक्विपमेंट्स और गियर्स है, तो आज ग्रैब टैक्सी से जा रहे हैं फुल ऑन AC में। तो अभी मैं MBK सेंटर मॉल आ गया हूँ और कुछ इंडियंस हमारे साथ मेरे साथ आ गए हैं। ये दोनों है पुणे से। व्हाट्स योर नेम? मिलिन। मिलिन, हाय। अबे नाम तो बता। अजीत। और पीछे I'm Shivam. He is from जबलपुर। और सामने राहुल, पता नहीं उसको व्लॉग में आना नहीं है, मेरे घर के बाजू में रहते हैं। He is from परेल, आमची, मुंबई। सो ये भी मिल गया साथ में घूमते घूमते और काफ़ी मजा आया। लालबाग परेल, यस। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरे को रोड का एक माइक लेना है, रोड या तो बोया का, और यहाँ पे पीछे भाई साहब को मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पे, तो एक्सप्लोर करते करते 4-5 घंटे तो इजीली लग जाते हैं। पूरा मॉल तो एक्सप्लोर नहीं होगा, बट जितना हो सकता है आपको दिखाऊँगा। चलो पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, पॉटी मिल रहा है, पॉटी। मैविक 2 जूम है, फ्लाइम और कॉम्बो के साथ छोटे छोटे ड्रोन्स है, और मैं अंदर जाके पूछने वाला हूँ मेरे ड्रोन का बैटरी मिलता है या नहीं। एक्सक्यूज मी, do you have Mavic Pro 2 battery? No battery? Oh no, packet. Only packet, no battery? No battery. You know where I can get it? You cannot get it anywhere. You cannot get anywhere here? Yeah, cannot. How much is the packet, entire combo kit? Packet is 14,000. 14,000 baht with the entire combo kit. Two battery, charger, charging and, hub, and bag. Bag. Okay, 14,000 baht. 14,000 yani ki 30,000 mein Mavic Pro 2 Zoom yahan pe 30,000 mein mil raha hai, batao. क्या बताए, जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो नहीं पाया क्योंकि मुझे चाहिए था Mavic Pro 2 का बैटरी जो अवेलेबल नहीं था सिंगल किट में। और बताओ 14,000 बात बोल रहे हैं Mavic Pro 2 का, यानी कि 30,000 रुपये इंडिया में वही चीज़ 1,25,000 की मिलती है। यहाँ पे सारे 5th, 6th, 7th कॉपी, पता नहीं थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स है सारे, सारे के सारे डुप्लीकेट्स, फ़ोन से लेके बैटरीज, कैमरा, लेंसेज। एक लेंस पूछा 2470 लेंस, जो इंडिया में 1.5 लाख के आसपास आता है, 1 लाख के तो ऊपर ही है, और वो यहाँ पे मिल रहा है 30,000 रुपये में, बताओ। तो दोस्तों पूरे मॉल में मेरे को सिर्फ एक ही स्टोर नज़र आया, वो है MI का स्टोर, जहाँ पे सारे जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, मेरे पीछे सारे MI के प्रोडक्ट्स है, और रेट्स भी लगभग इंडियन रेट्स के हिसाब से एकदम सही रेट्स है। और ये हम सब मिल के अभी खा रहे हैं मैकडी में,
672 बात का पड़ा है, यानी कि पर पर्सन 135 रुपीस में वर्थ है, टोटली वर्थ। तो गाइस एमबी के सेंटर से मैं अभी आ गया हूँ सुकुम विद एमटीआर स्टेशन, और मैं अभी जा रहा हूँ बुआलमपोंग यानी कि बैंकॉक रेलवे स्टेशन। वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी फुकेट के लिए जो कि 14 घंटे लगाती है। तो अभी शाम के बज रहे हैं कुछ 6:30 और ये कल दोपहर में जाके कुछ 12 बजे के आसपास पहुँचाएगी। बीच में शायद से ब्रेक भी होगा तो पता नहीं कैसे जाएगी, बट कुछ 14-15 घंटे लगते हैं यहाँ से। फिलहाल एमटीआर के लिए वेट कर रहा हूँ, और अगर आपको एमटीआर का मतलब नहीं पता तो मास रैपिड ट्रांजिट MRT है, सॉरी मैं तब से MTR कहने जा रहा हूँ। और ये अल्ट्रा लग्जरियस डबल डेकर AC बस जिसमें मैं जाने वाला हूँ फुकेट। तो ये कुछ इस तरह का बस है, और टिकट का प्राइस 1150 बात था पर मुझे मिल गया 900 रुपया, यानी कि 200 रुपये कम पड़ गया, 250 रुपये मेरा बचत हो गया। ऑन द स्पॉट आके टिकट बुक किया मैंने। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी फुकेट में। सूरत थानी में हॉल्ट था, जो मेरी बस निकली थी बैंकॉक से वो सूरत थानी आई, यहाँ पर कुछ 4:30 के आसपास आ गई थी। 1.5 घंटा वहाँ पे वेट कर रहे थे सब लोग। जो साउथर्न टर्मिनल है बैंकॉक से, वहाँ से डायरेक्ट बस जाती है फुकेट के लिए, तो आप वो बस ले लीजिए रादर दैन टेकिंग दिस बस जो सूरत थानी आती है, और यहाँ से फिर कनेक्टिंग बस आपको लेना पड़ता है। वेटिंग टाइम भी कुछ 1.5-2 घंटा लग जाता है आपको। यहाँ से सूरत थानी बस टर्मिनल से 4 बसें निकलती है। पहली बस सुबह 7 बजे की है, जो पांगना बस टर्मिनल है वहाँ रुकेगी, 10 बजे वहाँ पहुँचाएगी, और 12 बजे दैट इज़ 12 PM वो AM नहीं है, 12 PM को पहुँचा देगी फुकेट बस टर्मिनल 2 पे। और दिन में 4 बसेज है, पहली बस सुबह 7 बजे की है, दूसरी 11:30, तीसरी 1:30 बजे, और उसके बाद 3:30 बजे की। ये 4 बसें यहाँ दिन में चलती है, और बस अब वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं फुकेट बस टर्मिनल पहुँचने के बाद में मुझे वहाँ से मेरे हॉस्टल जाने के लिए कोई बस या कुछ और टुक टुक वगैरह करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से कुछ 1/2 घंटा दूर है। और यहाँ थाईलैंड में 2 चीज़ें हैं, एक 7-Eleven और ये फैमिली मार्ट। तो ये जो दोनों सुपर मार्केट चेन्स है, ये आपको हर जगह देखने मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही वो बस है जो फुकेट जाती है, पीछे लिखा तो है बस हमारा को फुकेट। तो जी हाँ, यही मेरी बस है और इसी बस से मैं जाने वाला हूँ फुकेट। आई थिंक सबसे पहला ही होगा मैं। और ये इनका गियर शिफ्ट देखो, इन्होंने भी जुगाड़ करके रख दिया है। पता नहीं इनको क्या पसंद है डिल्डोज से, गियर बॉक्स में भी डिल्डो शेप का कुछ अरेंजमेंट करके रख दी। ऑल राइट गाइस, सो मैं अभी आ गया हूँ पटोंग बीच में, फुकेट में हूँ। सो अभी मैंने चेक इन कर लिया है मेरे रूम में फाइनली। शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं। यहाँ पर बाहर से नज़ारा कुछ बहुत ही खूबसूरत है, पूल साइड व्यू है, एंड यहाँ से मैं अभी ड्रोन फ्लाई करने वाला हूँ। सो अभी क्योंकि मैंने मेरा मैविक एयर ड्रोन पिछले 1 महीने से फ्लाई नहीं किया था, मैंने लास्ट श्रीलंका में फ्लाई किया था, उसके बाद 1 महीना फ्लाई नहीं किया, तो अभी अपडेट आ गया और अपडेट हो रहा है मिनट्स में भी। और मैं रूम टूर दे देता हूँ। ये मेरा रूम है एंड यहाँ पे मेरा बेड, और वहाँ पे अपडेट चालू है, एंड यहाँ पे कोई और एक बंदा आ गया है, तो बेसिकली 4 पीपल बेड, एंड ये मिरर है, यहाँ पे टेबल है, ये लॉकर्स अवेलेबल है यहाँ पर, और ये है हमारा खूबसूरत सा बाथरूम, लेट्स मी, और यहाँ पे वॉशरूम, दिस इज द शावर एरिया, द बाथ टब।
पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया बारिश में, आग लग गई,